हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजीबे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन आईएएस एसडीएम एंड पीसीएस एसडीएम, यानी कि जो एक आईएएस अधिकारी होते हैं उनकी पहली ज्वाइनिंग एसडीएम के पोस्ट पे होती है, ठीक है। और एक जो पीसीएस अधिकारी होते हैं जो कि एसडीएम के रूप में ज्वाइन होते हैं उनका भी ज्वाइनिंग एसडीएम के रूप में होती है, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जब एक आईएएस अधिकारी एसडीएम के पद पे जाते हैं, स्टार्टिंग ज्वाइनिंग एसडीएम पे होती है, और एक पीसीएस अधिकारी जब एसडीएम बनते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस। अब जो फैक्टर होगा डिफरेंस का, फैक्टर ये है कि दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, दोनों का सैलरी और पे स्केल में क्या डिफरेंस होगा, प्रमोशन एंड पोस्ट में दोनों का क्या डिफरेंस होगा, और अपॉइंटमेंट में दोनों का क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में बात करने के बारे में, जो आईएएस अधिकारी होते हैं दे आर रिक्रूटेड थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, यानी कि जो भी आईएएस होते हैं वो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं, जिसका नाम होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है। जो पीसीएस अधिकारी होते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियली सिविल सर्विस, ठीक है, दे आर रिक्रूटेड थ्रू स्टेट लेवल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। ये जो एग्जामिनेशन है स्टेट लेवल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये कंडक्ट करवाया जाता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, ठीक है। और ये हर एक स्टेट के लिए अपना होता है, जैसे यूपी के लिए यूपी पीसीएस होता है, केरल के लिए केपीपीएस होता है, बिहार के लिए बीपीएससी होगा, तो ये सब हर एक स्टेट के लिए अपना अलग होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सैलरी एंड पे स्केल के बारे में। तो देखिए, जो आईएएस होते हैं उसका सैलरी एंड पेंशन मीट बाय दी कार्डर एंड स्टेट, यानी कि जो भी आईएएस अधिकारी होते हैं उनको कार्डर अलॉट किया जाता है, उनका स्टेट अलॉट किया जाता है कि आप इस स्टेट में जॉब करिएगा, तो उनका जो सैलरी और पेंशन होगा तो उस स्टेट के सरकार द्वारा दी जाएगी, ठीक है। और दे विल हैव सेम पे स्केल इन ऑल ओवर कंट्री, इनका जो है, जैसे देखिए एक आईएएस अधिकारी है जो कि जिनका कार्डर मान लीजिए यूपी अलॉट हुआ है, ठीक है, और एक आईएएस अधिकारी है जिनका कार्डर मालिक केरल अलॉट हुआ है, तो दोनों का ऐसा नहीं कि दोनों का स्टेट अलग होने का दोनों का पे स्केल अलग होगा, नहीं, दोनों का पे स्केल सेम होगा, दोनों का सैलरी सेम होगा, सारा सुविधा ऑल ओवर कंट्री में पूरा इंडिया में जितने भी आईएएस अधिकारी हैं सबका सुविधा सेम होगा, यानी ऑल फैसिलिटी, मतलब जितने भी अधिकारी हैं पूरे भारत में सबका सेम फैसिलिटीज मिलेगा। ऐसा नहीं कि बिहार में तुमको कम मिलेगा, या यूपी में तुमको ज़्यादा मिलेगा, या केरल में, या छत्तीसगढ़ में तुमको, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में उनको सेम फैसिलिटीज, सेम पे स्केल, सब कुछ सेम मिलने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पीसीएस अधिकारी के बारे में। तो पीसीएस अधिकारी के बारे में बात करते हैं, दिस सैलरी एंड पेंशन ऑफ ए पीसीएस इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि इनका सैलरी और पीसीएस पूरा 100% कंट्रोल किनके द्वारा होता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है। एंड पे स्केल में भी चेंज ऑफ स्टेट, और इनका कहना है कि पे स्केल जो इनका होता है पीसीएस, जैसे कि पीसीएस अधिकारी का जो पे स्केल होता है ये चेंज होता है स्टेट टू स्टेट, मान लीजिए यूपी का ज़्यादा हो सकता है, केरल का कम हो सकता है, ऐसे मैं एक एग्जाम्पल है, तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है इनका पे स्केल, ठीक है। अब जो दूसरा क्राइटेरिया है वो प्रमोशन एंड पोस्ट। तो देखिए, इंडियन सर्विस में आईएएस का जो होता है, आईएएस ऑफिसर स्टार्ट फ्रॉम एसडीएम के, इनका जो ज्वाइनिंग कैरियर का स्टार्टिंग होता है वो एसडीएम के पद से स्टार्ट होता है, और जो हाईएस्ट लेवल तक ही पहुंचते हैं वो है सेक्रेटरी, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये सेक्रेटरी बनकर रिटायर करते हैं, और ज्वाइनिंग इनका होता है एसडीएम की पोस्ट से, ठीक है। इट में टेक, जब वो ज्वाइनिंग करते हैं एसडीएम के रूप में ज्वाइन करते हैं तो उनको डीएम बनने के, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने में उनको 5 से 7 साल लग जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने में, ठीक है, आईएएस अधिकारी को। अब हम लोग बात करते हैं पीसीएस अधिकारी को। तो पीसीएस अधिकारी जो कि एसडीएम के रूप में, जैसे पीसीएस अधिकारी में बहुत पोस्ट होते हैं, डीएसपी होता है, बीडीओ होता है, लेकिन जो अधिकारी एसडीएम के रूप में ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है, वो एसडीएम के रूप में ज्वाइन करते हैं, तो उनको अगर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है तो उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने में 15 से 17 साल लग जाएंगे, 15 to 17 years, ठीक है। और इनका जो प्रमोशन है बहुत स्लो होता है एज कम्पेयर टू आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी के प्रमोशन बहुत स्लो होता है एज कम्पेयर टू आईएएस अधिकारी के, आईएएस की कंपेरिजन में पीसीएस के प्रमोशन स्लो होती है। अब हम लोग बात करते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। तो देखिए, जो आईएएस होते हैं ऑल्दो दे, ये तो फिक्स है कि दे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, ठीक है, जो उनका जिस स्टेट और जिस कार्डर उनको अलॉट हुआ है उनके अंदर वो काम करते हैं, लेकिन इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। और पीसीएस अधिकारी ये भी, ये किनके द्वारा, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही सेलेक्ट किए जाते हैं, और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ये गवर्नर और स्टेट, यानी मान लीजिए जो यूपीपीएस में जो अधिकारी बनेंगे उनका जो अपॉइंटमेंट यानी जो होगा वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, गवर्नर और स्टेट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नो डाउट IAS इज़ बेटर देन PCS इन टर्म ऑफ किस IAS बहुत अच्छे होते हैं PCS किन किन टर्म में, सैलरी के टर्म में, माने सैलरी बहुत अच्छी होती है, ग्रोथ ग्रोथ आप देख ही चुके हैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। जहाँ PCS अधिकारी को 15 से 17 साल लग जा रहे हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने हुए IAS 5 साल में, यानी कि 10-15 साल का डिफरेंस है। एंड ऑल ओवर करियर प्रोस्पेक्टिव, फैसिलिटीज हो गया, पावर हो गया, हर एक करियर प्रोस्पेक्टिव के अनुसार से IAS अधिकारी मच बेटर होता है PCS अधिकारी के टर्म, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि बट PCS इज मच बेटर देन मेनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, जैसे बैंक हो गया, रेलवे हो गया, तो ये भी PCS का एक अलग है। इसीलिए जो होता है कि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट IAS के लिए, मतलब कि UPSC के लिए प्रीफर करते हैं, उसके बाद आप वो स्टेट PCS पे आते हैं। और ऐसे भी बहुत होते हैं कि जो मतलब कि स्टार्टिंग में स्टेट PCS क्वालिफाई करने के बाद फिर वो तैयारी कंटिन्यू रखते हैं, फिर वो IAS या UPSC या IPS ये सब बनते हैं, बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ अपना राय रखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला है, अपना बेहिचक अपना राय उसमें रखिए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अपडेटेड और नए वीडियो को देखने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।